जो ये इतने मेरिट लेकर के जो खुशियां पूरे विद्यालय को, गांव को और पेरेंट्स को दी है, वो काबिले तारीफ है। और वो बात इन्होंने सच साबित कर दी जो ये हमेशा बोलते आए हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो तो इस कदर जियो कि एक विशाल हो जाए, एक मिसाल बन जाए। पिछला जो टारगेट था उसको काफी पीछे छोड़ा इन्होंने, काफी आगे निकल गए। शतक लगाने वाले थे तो आगे वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं जो अब 12वीं में और 10वीं में हैं, वो शतक उनको लगाना है। अब इन्होंने ऐसा चैलेंज बना दिया है, एक ऐसा टारगेट बना दिया है कि हम जो शतक के पास थे अब शतक आपको लगाना है। मुश्किल कोई भी नहीं है। हमारे प्राचार्य महोदय जिन्होंने न सुबह देखा न शाम देखा, जब चाहा स्कूल के लिए चल दिए, ऐसे ही हमारे स्टाफ सदस्य न गर्मी न सर्दी न धूप न छुट्टियों की परवाह करते हुए, मेहनती स्टाफ ने अपनी छुट्टियां तक भी छोड़ दी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। तो एक बार हमारे स्टाफ सदस्यों की सम्मानजनक तालियां चाहूंगा मैं आपसे। मैं पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हर एक विद्यार्थी ये चाहेगा कि वह अपने आप से एक ऐसा वादा करे कि आने वाले चैलेंज को वो स्वीकार करें और एक शतकीय पारी खेलें जो मेरिट के लिए शतक लगाएंगे। तो हमारे बच्चों ने 100/100 अंक भी प्राप्त किए हैं, इसमें रिटेल में कम से कम 3 बच्चों के तो मैंने देख, 2-3 बच्चों के तो मैंने देखे हैं, 4 बच्चे, यस, जहां तक बच्चों से आवाज आ रही है कि 4 तो शतक हैं 100/100 रिटेल में। आईटी भी कम नहीं है, कई बच्चों के 98-99-100 के आसपास उनके भी नंबर हैं। और हमारे अजय सर भी पीछे नहीं है एसएस में, चावला सर भी अब की बार इन्होंने भी शतक लगाया है। कनिका, हाँ, ये कह रहे हैं कि आप भी उसमें शामिल हो, तो बिल्कुल मैं भी शामिल हूँ उसमें। कनिका ने 100/100 एसएस में प्राप्त किए हैं। देखिए अजय सर काम करते जाते हैं, नाम की चिंता नहीं करते हैं कभी भी। और ये सोचो कि ये तो क्लासें ही इनकी 50% लगी हैं, यदि क्लासें 100% लगती तो ये और भी आगे निकलते। तो इसीलिए कोई भी हमारा साथी ऐसा नहीं है जो अपने काम में किसी भी प्रकार की कोई कमी रखे, बल्कि बढ़ चढ़ के सभी साथी मिलजुल करके काम करते हैं। और ये जो इनकी मेहनत है ये काबिले तारीफ है। मैं पूरे गांव का, सभी बच्चों के माता पिता का, स्टाफ सदस्य का, वे प्यारे बच्चों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यही कहूंगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो। तो आप इसी प्रकार से हंसते गाते आगे बढ़ते जाएंगे।
अपने चैलेंज को स्वीकार करते हुए बढ़िया अंक प्राप्त करने के लिए अभी से जुट जाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत गांव के साथियों से कि वो तन मन और धन से हमारे सभी बच्चों का मान सम्मान करें, ताकि विद्यार्थी इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए अभी से मेहनत में लग जाएं और उन बच्चों को वो प्रेरित भी करें और समय अनुसार उनको सम्मानित भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद धन्यवाद। मैं मेरे गांव से आए सरपंच के नुमाइंदा डॉक्टर अजमेर जी का स्वागत करता हूं और मैं अब मंजू मैडम आयो आदर व सम्मान की और माननीय प्रिंसिपल साहब व आपका समस्त स्टाफ, हम गांव पंचायत लोहारी रागो की तरफ से आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। तो अच्छा पढ़ो अच्छा करो, ये आपके लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह गए। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, गांव से आए हुए गणमान्य व्यक्तिगण, हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं और गांव के मौजूद व्यक्ति भी हैं और सभी स्टाफ सदस्य और हमारे विद्यालय की आन बान और शान प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के सौभाग्यशाली दिन की हार्दिक बधाई। एक बार जोर से सभी के लिए स्काउट क्लैप कीजिए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश। आपकी खुशियों की गूंज आपके गांव में पहुंचनी चाहिए, पहुंच तो चुकी होगी कल से। आज हमें भी इंतजार था कि कब जल्दी से विद्यालय पहुंचे, कब बच्चों से मिले, कब जल्दी से विद्यालय पहुंचे। तो बार बार जैसे कि प्लस टू का रिजल्ट तो हमारा आया ही था, उसमें हमारी 38 में से कितनी मेरिट रही बताओ, 28। और 10th में हमारे पास में 55 बच्चे थे, कितनी मेरिट आई है अपनी, 33 में, टोटल कितनी हो गई, 61। और सर ने आपको टारगेट क्या दिया था, 40 का आपका टारगेट था, 61 मेरिट बच्चों ने प्राप्त की है, कमाल कर दिया है आप लोगों ने। हर जगह से हमें बधाई आ रही है, हम बता नहीं सकते कि आज के दिन सभी टीचर्स कितने ज्यादा खुश हैं। ऐसा दिन बार 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 हमारे विद्यालय को प्राप्त हो। और आप सभी ये भी सोच रहे होंगे बच्चे कि 10वीं की मेरिट इतनी ज्यादा कैसे आई, इन्होंने प्लस टू से भी आगे कैसे निकले। तो एक अंतर होता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो थोड़ा थोड़ा टीचर की रेंज से बाहर होता जाता है। 10वीं के बच्चे हमारे बहुत ही आज्ञाकारी थे, इनके जितने पीरियड इनको बैठाया, बेटा तुम्हें 2 पीरियड बैठ करके काम करना है, 3 पीरियड इसके लिए बैठना है। अभी भी बच्चे खुश हो रहे हैं देख करके कि हाँ हमने काम किया है। लास्ट के 3 महीनों में इन्होंने जो मेहनत की तो हमें विश्वास था कि रिजल्ट आएगा और भगवान भी सुन रहे थे और उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो परम पिता परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको जीवन में बार 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 यूं ही सफलताएं मिलती रहें। और कुछ बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे कि शायद आज प्रधानाचार्य महोदय का जन्मदिवस भी है, क्या ये सच है सर? तो सभी सर को हैप्पी बर्थडे विश कीजिए बेटा, गिफ्ट तो आपने दे दिया है, शाबाश।
जोर से तालियां बजाइए, सर को विश हो जाएगा। तो सर आपको आज पार्टी देने वाले तो थे ही, गिफ्ट आपने पहले ही दे दिया है, और ऐसा गिफ्ट ये तो सर को जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि सर आगे पदोन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान आगे भी इनकी खूब तरक्की करे जीवन में। इन्होंने विद्यालय के लिए जो मेहनत की है वो हमेशा लोहारी गांव अवश्य याद रखेगा, और हम सभी भी अवश्य याद रखेंगे। इन्होंने पर्सनली अटेंडेंस को इंश्योर किया, बाकी स्कूलों के टीचर्स भी बस में भी हमारे साथ आते हैं, हमें मिलते हैं, तो कहते हैं कि आपके विद्यालय का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ जाता है, इतनी मेरिट कैसे आ जाती है, हमारे तो बच्चे लास्ट के पेपर के टाइम में आते ही नहीं है। तो हमने कहा भाई ये तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय का कमाल है, हमें तो बैठ करके पढ़ाना होता है, अटेंडेंस तो वही इंश्योर करते हैं, एक एक बच्चे का पर्सनल रिकॉर्ड हर एक सब्जेक्ट का, भाई आपके सब्जेक्ट में ये बच्चा कितने प्रतिशत का चल रहा है, इंग्लिश में कैसा है, मैथ्स में कैसा है, इसको किस पे मेहनत की ज़रूरत है। हर एक वीक में हर एक टीचर ने 3-3 टेस्ट तो पक्का लिए, और हो सकता है किसी ने ज़्यादा भी ले लिए हों। तो जिस तरह के अंक बच्चों ने प्राप्त किए हैं वो काबिले तारीफ हैं, और इस सफलता से आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, अहंकार बिल्कुल नहीं लेकर के आना है। आपने प्लस टू के कदम चिन्हों पर चलते हुए उनसे भी आगे निकल करके आज जो रास्ता प्राप्त किया है, और आज मैं टीचर्स के विचार सुनने के साथ साथ जो पेरेंट्स आए हुए हैं और जो बच्चे हमारे हैं, जो जिनका दिल मचल रहा होगा अपने विचार शेयर करने के लिए, और नहीं भी मचल रहा तो हमारा जरूर दिल मचल रहा है उनके विचार सुनने के लिए, तो बच्चों को आज मंच पे आना होगा और अपने विचार बताने होंगे। तो सबसे पहले बच्चों में से कौन आएगा, पहले बच्चों का नंबर लगाओ भाई। देखो सौरभ को तो आना ही पड़ेगा, सौरभ ने तो मैथ में 96 नंबर लिए है, थर्ड पोजिशन है इसकी मैथ में। पहले कनिका आएगी हमारे पास में, आओ बेटे, शाबाश, वेरी गुड। कनिका के लिए जोरदार तालियां, 493 नंबर 500 में से, और हमें विश्वास है कि बोर्ड की अभी मेरिट लिस्ट आई नहीं है, बोर्ड में भी पोजीशन पक्का मिलेगी, और प्राइवेट स्कूल तो क्या कर लेंगे, अगर आपके इरादे बुलंद हैं आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। स्कूल से नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी स्टडी से, आपकी मेहनत से, आपकी आज्ञा पालन से, आपके आत्मविश्वास से। तो इन्हीं कदमों पर बने रहे, पुनः हार्दिक बधाई। कनिका को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ, जोरदार तालियां बजाइए बच्चे के लिए। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, स्टाफ, टीचर्स एंड ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और गांव से आए हुए आदरणीय गणमान्य अभिभावकगण, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैंने आज हमारे स्कूल में 10th क्लास में 493 नंबर के साथ टॉप किया है, और मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये कैसे किया है। मैंने SS के अंदर 100 नंबर लिए हैं, मैथमेटिक्स में 99, इंग्लिश में 99, IT में 98, और हिंदी में 97, और साइंस में 96। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो मैं कभी से फील करना चाहती थी कि कब मैं 10th में टॉप करूं और कब उस फीलिंग को फील करूं, लेकिन और आज वो मुझे फील भी हो रहा है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ये सब हमारे टीचर की ब्लेसिंग के कारण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। मेरे को SS में ये लगता था कि SS में तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता था कि सबसे कम नंबर मेरे SS में ही आएंगे, लेकिन फिर मेरे SS में मैंने सबसे ज़्यादा जोर SS पे दिया, इसलिए मेरे सबसे ज़्यादा नंबर SS में ही आ गए। और मैथमेटिक्स में मेरा एक नंबर कटा, उसको मेरा दुख भी हुआ, क्योंकि उसमें मेरे 100 आने थे। तुम्हारे नंबर बेटा कितने ही आए, तुम हो ही टॉपर, और बच्ची का इसका सुपर 100 में भी सिलेक्शन हुआ है। गांव से जो गणमान्य व्यक्तिगण आए हैं, मैं उन्हें बता दूं, सुपर 100 में भी अभी टेस्ट दे करके आई है, वहां से भी हमें बड़ी उम्मीद है। भगवान करे IIT में बहुत अच्छी जगह जाए और इसका बहुत अच्छा जगह पर सिलेक्शन हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। अब कौन बच्चा आएगा, कमल आइए, कमल, डिम्पी आओ बेटे, शाबाश, कौन आएगा जल्दी आइए।
अच्छा ये बच्चे बाद में आएंगे, इतने हमारे गांव से नाम श्री संजय भ्याणा पंच महोदय हमारे बीच पधारे हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शाबाश, बहुत अच्छे, तालियां इतनी जोरदार बजाओ, गांव में सुननी चाहिए कि क्या कर रहे हैं आज स्कूल वाले। शाबाश, बहुत अच्छे। आदरवा बन के योग प्रधानाचार्य महोदय जी, वह अलग अलग गांव से लोहारी गांव के इस स्कूल में टीचर के पद पर हमारे गांव की फुलवाड़ी को सींचते हुए जो छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी से सींच सींच कर आज एक उन्होंने बहुत बड़े फूल का रूप दे दिया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और टीचर्स की मेहनत से जो बच्चों ने मुकाम हासिल किया है, मैं उनका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद सर। अब हमारे सबसे आज के महत्वपूर्ण सदस्य हमारे प्रधानाचार्य महोदय मंच पे पधारेंगे, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए और ऐसी सफलता के लिए उन्हें बधाई दीजिए। वेलकम सर, वेलकम। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य गांव से आए हमारे बहुत ही गणमान्य व्यक्ति, मेंबर पंचायत और एसएमसी अध्यक्ष और पूर्व एसएमसी अध्यक्ष, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे स्टाफ के मेंबर और बहुत ही प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी पिछली बार जो मेरिट आई थी उसका हमने टारगेट बनाया था कि 40 मेरिट उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो मुझे ये लगा था रिकॉर्ड जो टारगेट है बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हमने पूरा साल बच्चों के साथ मेहनत की, पूरे स्टाफ ने मेहनत की, बच्चों ने पूरा जोर लगाया और उस टारगेट को बहुत पीछे छोड़ करके 40 का टारगेट जो था, बच्चों ने मुझे विश्वास दिलवाया था सर आप चिंता ना करो हम इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, और बच्चों ने उस रिकॉर्ड को बड़े अच्छी प्रकार से रिकॉर्ड को ब्रेक किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी बच्चों को, पूरे स्टाफ को, पूरे गांव को। मैंने जब ये जो रिजल्ट हमारा स्टेट का जो ग्रुप है उसमें डाला तो पूरा जो स्टेट के जो प्रिंसिपल थे एकदम से सन्नाटा छा गया उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, और कई देर के बाद उनको जवाब आया कि ये आपने कैसे किया, इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लेकर के आते हो आप, हर साल रिजल्ट जो है अपना रिजल्ट स्टेट में सबसे नंबर वन के ऊपर है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब जो टारगेट है ये बड़ा मुश्किल टारगेट नहीं कहूंगा मैं, हमारे बच्चों के सामने हमारे बच्चे इसको भी आराम से इसको अचीव करेंगे ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है, उसके लिए हमें पहले दिन से ही तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे स्टाफ को, बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी और इस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आज मेरी ड्यूटी थी इलेक्शन के, आपको पता ही है आज CM साहब नारनौंद के अंदर आएंगे, वहाँ पूरा रैली को वीडियोग्राफी करवानी है मुझे, तो वो बोले जी कहीं नहीं जाना आपको यहाँ आना है, मैं बोला भाई आज तो हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आज तो मैं स्कूल में ज़रूर जाऊँगा। तो अब मुझे जाना पड़ेगा, 9 बजे वहाँ पहुँचना है, और उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं इनका एक गांव के अंदर क्या बोलते हैं उसको, रैली निकाल देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम पूरा साल मेहनत करते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आता है लेकिन हम प्रचार नहीं कर पाते, इस कारण से जो है
पीछे रह जाते हैं। प्राइवेट स्कूल वालों का थोड़ा सा रिजल्ट आ जाएगा, उसका प्रचार कर देंगे अखबार में भी, गांव में भी, पता नहीं कहां कहां पर्चे लगा देंगे। वहां कमी रहती है हमारी, हम उसमें कमी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गांव का हर बच्चा सरकारी स्कूल में आकर के इतनी अच्छी पढ़ाई यहाँ है, इसको पढ़ाई करे और बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो, उनके पैसे भी बचेंगे और उनका जो है करियर भी बहुत अच्छा बनेगा। आज रिजल्ट आया है, प्लस टू वाले रिजल्ट की खुशी में हमने बच्चों के लिए खीर बनवाई थी, आज बच्चों के लिए हलवा बनवाएंगे सारे बच्चों के लिए। और मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी खुशी है। और आज मैं इतना ही कहता हूँ कि हमारे बच्चों को इस रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आने वाले टारगेट को अचीव करने के लिए भी मेरी शुभकामनाएं, हमारे बच्चे उस टारगेट को भी अचीव करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखो भाई, आज हलवा मिलेगा आपको, पहले खीर मिली थी, और रैली तो आप गांव में निकालेंगे ही, आपने पिछले साल भी निकाली थी। और साथ में ही बच्चों की एक और भी ड्यूटी है कि इस साल से हमारे विद्यालय में नॉन मेडिकल स्ट्रीम की पढ़ाई और मेडिकल स्ट्रीम की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, वो भी आप गांव में, अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तो अवश्य बताएं। और नेक्स्ट सेशन से हमारा स्कूल पीएम श्री प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आ जाएगा, तब इसमें और भी अधिक विकास कार्य होंगे, उसके बाद उसमें कॉमर्स स्ट्रीम भी आ जाएगी। हाँ जरूर, तालियां बजा सकते हैं आप, शाबाश। कनिका के पिताजी आए हुए हैं, कनिका के पिताजी श्री जयपाल जी आए हुए हैं, मैं उन्हें मंच पर एक बार आमंत्रित करूंगी, वो मंच पे आ जाए और सर के साथ एक बार जरूर खड़े हो। एक बार कनिका, हमारे तीनों टॉपर बच्चे भी एक बार मंच पे आए। सारे मेरिट होल्डर आए हुए हो क्या? चलो जितने भी बच्चे आए हुए हो 10th क्लास के, सारे आ जाओ एक बार मंच के ऊपर, शाबाश। सभी बच्चे आइए, क्योंकि सभी का रिजल्ट ही बहुत बढ़िया है। सभी बच्चे लाइन बना के, सभी आइए, सभी खुश है ना, सभी आओ, शाबाश। लाइन बना के गर्ल्स आ जाए, पहले मेरिट, पहले एक बार मेरिट वाले बच्चे आ जाए, फिर सभी को बुलाते हैं। शाबाश, जल्दी आओ बेटा, लड़कों में से भी, वेरी गुड। गांव से पधारे हुए सभी अतिथिगण, सभी स्टाफ सदस्यगण, कृपया मंच के पास आ जाएं। आज तो कहने की जरूरत ही नहीं है सर, किसी को इंतजार नहीं करना है, प्लीज मंच पे आ जाइए। लड़कियां यहाँ बैठ जाए, शाबाश। सभी स्टाफ सदस्य मंच पे सादर आमंत्रित हैं, सभी मंच के पास आ जाए। आगे आगे दो लाइनों में सेट हो जाओ बेटे लड़कियां। कौन दिया? सॉरी, क्या जोरदार तालियां बजाइए बेटा, सभी का भी खंडन कीजिए। अजय सर, सुनीता मैम, रवि सर, नहीं सर आज तो आना पड़ेगा, बाकी पूरे साल हम मान लेंगे आपके। भगवान, पूरा स्टेज। पुनिया सर, रवि सर, और अंदर कौन कौन बैठे दिखाई नहीं दे रहे सर, सभी कृपया मंच पे आ जाएं। शाबाश, तालियां बजती रहें।